हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग जान गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं, जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके आरपीएफ एंड सैलरी 2020 के बारे में। जैसे कि बहुत से फ्रेंड्स के कमेंट्स मेरे पास लगातार आ ही रहे हैं कि सर मेरे मार्क्स ज़्यादा हैं, क्या करें क्या ना करें, कुछ बताइए। तो दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो उन्होंने आईटीआई लगाया है और उनको बाकायदा रिस्पांस मिला है कि आपके मार्क्स ज़्यादा हैं या फिर कम हैं, जैसे भी हैं उनको बता दिए गए हैं आईटीआई के थ्रू। लेकिन दोस्तों जिन जिन के मार्क्स ज़्यादा हैं और कट ऑफ से भी ज़्यादा आ रहे हैं और उसके बाद उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो दोस्तों उन्होंने फिर से आईटीआई लगाया और आखिरकार उसका रीजन पूछा कि क्या कारण है जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुक गया है। तो फ्रेंड्स फिर से आया है उनको रिप्लाई, तो मैं आपको वो रिप्लाई दिखाने वाला हूँ कि आखिरकार उस रिप्लाई में क्या बोला है आपके जो आईटीआई वालों ने, क्या आपको क्या करना है आगे क्या नहीं करना है। चलिए इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो उसको अभी लाइक और शेयर जरूर कर दें, जी हाँ फ्रेंड्स, ताकि आपके हर एक फ्रेंड्स के पास यह इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। और दोस्तों बता दें यह आईटीआई का रिप्लाई आया है भाई अनुज के पास। जी हाँ दोस्तों, भाई अनुज करते हैं बिहार से बिलोंग, इन्होंने आईटीआई लगाया था, इनके मार्क्स आ रहे हैं, ग्रुप सी से बिलोंग करते हैं, इनके मार्क्स इनके कट ऑफ से ज़्यादा आ रहे हैं। जे कैटेगरी है इनकी ओबीसी, जिसमें ग्रुप सी का ओबीसी का 44 के समथिंग गया है, कितना कट ऑफ 44:44 गया है, जी हाँ दोस्तों। और भाई के मार्क्स यदि आप टोटल करेंगे तो पूरे मिलाकर यहाँ पर 52 के समथिंग हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनका सिलेक्शन रुक गया है। तो भाई ने फिर से आरटीआई लगाया था, अब उसका रिप्लाई क्या आया है, आरटीआई वालों ने क्या कहा है, चलिए हम वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे अनुज भाई ही नहीं, आकाश भी था, मैंने सबसे पहले आपको वीडियो प्रोवाइड कराया था कि उसके मार्क्स भी ज़्यादा हैं लेकिन उसका सिलेक्शन भी नहीं हुआ। अब शायद उसका रिप्लाई आ गया हो, मैंने बहुत दिन से उससे बात भी नहीं की, मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर उसका गुम गया है। तो दोस्तों आप लोगों से अंत में एक बात बोलना चाहूँगा, आप लोग ध्यान देना, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं आखिरकार कैसी आरटीआई लगाई थी और क्या रिप्लाई आया है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा है जे किस का एडमिट कार्ड, भाई अनुज का, जिन्होंने आरटीआई लगाया था और इनको रिप्लाई मिला है, हम वो देखने वाले हैं। आप देख लीजिए आरपीएफ जोन, बता रहा हूँ मैं एडमिट कार्ड भाई अनुज का कि किन्होंने आरटीआई लगाया था जिसका इनको रिप्लाई मिला है। आप अच्छे से देखिए, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, भाई का रजिस्ट्रेशन नंबर जे है, आरपीएफ जोन, डेट था इनका वाटर कैरियर, इनका नाम है अजय कुमार और जेंडर मेल है कमल देवी, ये सारी इनकी डिटेल्स है, ये तो इनका एडमिट कार्ड हुआ। अब हम देखते हैं कि आखिरकार इन्होंने कौन सा आरटीआई लगाया था और इनको उसका रिप्लाई क्या मिला है। तो फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं आगे। लेकिन दोस्तों मैंने आपको एक वीडियो भी सुनाया था जो कि भाई ने कॉल किया था कि सर क्यों नहीं मेरा सिलेक्शन हो पाया है, मेरे इतने ज़्यादा मार्क्स हैं, उसका रीज़न बताइए। तो आपने शायद वो वीडियो देखा नहीं होगा, उसको भी देख लेना, चलिए देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे हम आ गए हैं आरटीआई पर, अजय ने जो लगाई थी आरटीआई कि सर मेरे नॉर्मलाइज मार्क्स कितने हैं, मेरे टेस्ट के मार्क्स कितने हैं और मेरे जो रो मार्क्स थे वो कितने हैं, कृपया मुझे बताइए। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं पूर्व तट रेलवे, आपका यहाँ पर जो लिखा हुआ है भाई, जहाँ से प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त कार्यालय पूर्व तट रेलवे, रेलवे सदन भुवनेश्वर, ये एड्रेस दिया है ना, यहाँ पर भाई ने अपना एड्रेस दिया था टू अजय कुमार ब्लेज, ये सारी इंफॉर्मेशन थी। एंड इसके बाद आप यहाँ पर सब्जेक्ट देख सकते हैं, भाई ने क्या बोला था, आरटीआई एक्ट के तहत इन्फॉर्मेशन चाहिए थी इनको, और यहाँ पर एप्लीकेशन के संदर्भ में एप्लीकेशन नंबर जे था। अब इनका जवाब क्या है जरा वो देखिए, यहाँ पे बोला गया है साफ साफ कि विद रेफरेंस टू योर रिक्वेस्ट मेड थ्रू आरटीआई एक्ट 2005 लिखा है बाई डी योर एप्लीकेशन अंडर रेफरेंस द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इज फर्निश्ड हेयर अंडर देयर इज नो प्रोविजन टू शो यूर रो मार्क्स क्या नॉर्मलाइज मार्क एंड टेस्ट मार्क्स हाउएवर। यहाँ पर इनका कहने का मतलब है कि ऐसी तो कोई वो नहीं है, आपके रो मार्क्स यहाँ पर शो करने का कोई भी प्रावधान नहीं है, बताने का कोई भी प्रावधान नहीं है आरटीआई के तहत, लेकिन फिर भी आपके नॉर्मलाइज मार्क्स और आपके जो रो मार्क्स हैं और आपके टेस्ट के मार्क्स
कुछ इस प्रकार है, ऐसा इन्होंने बोला है। ऐसा प्रावधान नहीं है लेकिन फिर भी इन्होंने बताया है, ऐसा इसका मतलब निकलता है। आप यहाँ पे देखिए क्या रिप्लाई में आया है, आसपास आपका आस पास रिकॉर्ड योर रो मार्क्स इज 37.33, नॉर्मलाइज मार्क्स इज 36.88। मतलब कि भाई के यहाँ पर नंबर कम गए। अब यहाँ पर एंटी टेस्ट मार्क्स इज यहाँ पर 16, यहाँ पर भाई को टेट में 16 नंबर ही मिले हैं। तो दोस्तों आपने यहाँ पे जाना कि भाई ने आईटीआई लगाई थी, तो आईटीआई के तहत भाई को नंबर बता दिए गए हैं प्रावधान ना होने के बावजूद भी। यहाँ पर भाई के नंबर है 37 और यहाँ पर 36 हो रहा है इनके नॉर्मलाइजेशन के बाद, और 16 है इनके कितने टेट टेस्ट में। अब भाई का कहना है कि यहाँ पर जो इनके कट ऑफ से भी ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, भाई बिलोंग करते हैं ग्रुप सी से, और आप ग्रुप सी का ओबीसी कैटेगरी का यदि कट ऑफ देखेंगे तो जा रहा है 44 के समथिंग। और आप यहाँ पर काउंट कीजिए भाई के नंबर कितने हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप काउंट कर लेना, यहाँ पर 52 के समथिंग भाई के मार्क्स जा रहे हैं। यहाँ पर 36 जे हैं और 16 जे हैं, ये दोनों जुड़ जाएंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, भाई ने लगाया है क्या फिर से आरटीआई की, सर क्या रीजन है जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन रुका हुआ है, मेरे मार्क्स कट ऑफ से भी ज्यादा आ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हर एक डिटेल्स को। अब दोस्तों आपके समक्ष जो आरटीआई दिख रही है वो फिर से लगाई थी भाई अनुज ने। इसमें उन्होंने रीजन पूछा था कि सर आप ये बताइए मेरे मार्क्स जब नॉर्मलाइजी और हर एक चीज के मार्क्स मिलाकर मेरे फाइनल कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो क्या कारण है जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन रुका हुआ है, आप रीजन बताइए। तो फ्रेंड्स इसके रिप्लाई में क्या है आरटीआई का जवाब, जरा आप देखिए। आप जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखेगा क्या, आपको रिप्लाई दिखेगा। जी दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ, विद रेफरेंस टू योर रिक्वेस्ट मेड थ्रू आरटीआई एक्ट 2005 बाय योर एप्लीकेशन अंडर रेफरेंस द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इज फर्निश्ड हियर अंडर। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं रिप्लाई, आस्किंग रीजन डज नॉट इंक्लूड इन आरटीआई एक्ट, प्लीज गो थ्रू द पैरा 1.14 एंड 9 जे ऑफ द एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर कॉन्स्टेबल एंसलरी आरपीएफ यहाँ पे 3/2018। अब इसका क्या मतलब निकलता है दोस्तों, इन्होंने साफ साफ कर दिया है कि आपका किस कारण बस यहाँ पर सिलेक्शन रुका हुआ है, इसका रिप्लाई आरटीआई के तहत आपको नहीं मिल सकता, आपको यहाँ पर कोई भी ऐसा रीजन ये बता नहीं सकते। इसका प्रावधान आरटीआई के तहत नहीं है कि आपको यहाँ पर रीजन बता दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बोला है इन्होंने आरटीआई वालों ने, क्या आस्किंग रीजन डज नॉट इंक्लूड इन आरटीआई, इसमें इंक्लूड नहीं है यह बताना, प्लीज गो थ्रू द पैरा, आपको बोला गया है आप कहाँ पे जाएं, आप जाएं आपके नोटिफिकेशन पर, किस पर, आपके 1.14 क्या लिखा है वो देखें, एंड 9J में क्या लिखा है वो देखें, द एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर कॉन्स्टेबल आरपीएफ पेंसलरी आपको नोटिफिकेशन को रीड करना है, उसके 1.14 पॉइंट को और 9J में क्या लिखा है आपको उसको रीड करना है। अब इसके बाद क्या लिखा है जरा वो और पढ़ लेते हैं। अब जैसे फ्रेंड्स आप थोड़े नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है जरा पढ़िए, थ्रू एडेक्यूट केयर हैज बीन टेकन टू फर्निश द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू यूर सर डिजायर्ड इन केस यू फील एन इन्फॉर्मेशन इज मिसिंग आर इज नॉट फर्निश्ड यू मे काइंडली ब्रिंग द सेम टू द नोटिस ऑफ द क्या लिखा है अंडर सिग्नेट टू फर्दर क्लैरिफिकेशन इन केस यू आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड विद द फर्निश्ड इन्फॉर्मेशन यू मे प्रेफर एन अपील टू द फर्स्ट एप्लीकेट अथॉरिटी एंड चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर आरपीएफ ईस्ट कोस्ट रेलवे रेल सदन सामानता विहार भुवनेश्वर यहाँ पे 751017 विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द लेटर एज पर आरटीआई एक्ट 2005। अब दोस्तों आपके यहाँ पर साफ साफ बोला गया है, आपने यहाँ पर रीड कर लिया होगा क्या बोला गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स इनका यही कहना है कि यहाँ पर पूरा पूरा भरपूर आपका प्रयास किया गया है कि आपको पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन दें, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आरटीआई के तहत आपसे कुछ बातें छुपाई गई हैं, यहाँ पर गलत किया गया है, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन पूरी पूरी नहीं बताई जा रही, तो आप इसके लिए आगे एक्शन ले सकते हैं। इसके लिए आपको सुरक्षा अधिकारी आयुक्त से बात हो सकती है, आप वहां पर जा सकते हैं, या फिर आप यहां पर
आप अपीलीय अधिकारी से भी अपील लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने साफ साफ कर दिया है कि यहाँ पर प्रयास पूरे किए गए हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आरटीआई एक्ट के तहत यहाँ पर जानकारी छुपाई गई है, गलत किया गया है हम लोगों के साथ, तो आप अपीलीय अधिकारी के यहाँ पर नोटिस लगा सकते हैं। आप मुख्य सुरक्षा अधिकारी आयुक्त के यहाँ पर नोटिस लगा सकते हैं, अपना जो भी शिकायत है वो कर सकते हैं। अब आपको कहाँ करना होगा और कितने समय के अंदर करना होगा, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर साफ साफ कर दिया गया है कि आपको विद इन 30 डेज, जब आपको ये आरटीआई प्राप्त होता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको यह सब करना होगा। अब आपको एड्रेस क्या है, आगे की प्रक्रिया करने के लिए कि क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन, यहाँ पे क्यों ऐसा नहीं बताया गया, तो दोस्तों आपको यहाँ पर साफ साफ बोला गया है एड्रेस क्या, यहाँ पे ईस्ट कोस्ट रेलवे रेल सदन सामानता विहार भुवनेश्वर 75-10-17, आपको इस एड्रेस पर जाना है, नोटिस लगाना है कि आखिरकार क्यों यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो यहाँ पर आप लोगों को यही बताया जाएगा कि हाँ यहाँ पर प्रावधान नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों की आगे की प्रक्रिया साफ हो जाए कि आपका क्या रीजन है जिसकी वजह से सिलेक्शन रुका हुआ है। यदि आप यहाँ पर कुछ लगाएंगे नोटिस वगैरह, तो यहाँ पर आप लोगों को यह समझाया जाएगा कि आप लोगों को यहाँ पर नहीं बताया जा सकता, इसमें आरटीआई में ऐसा प्रावधान नहीं है, क्योंकि ऐसा कहना है आरटीआई वालों का कि आप आरटीआई से संतुष्ट नहीं है, तो आप आगे एक्शन ले सकते हैं कि आरटीआई में ऐसा क्यों नहीं करवाया, तो आरटीआई के बारे में वो समझाएंगे आपको, लेकिन आपको ये नहीं बताएंगे कि आपका रीजन क्या है। इसलिए दोस्तों आपकी जहां से भर्ती हुई थी आप वहां पर जाएं, आपको वहां पर संतुष्टि मिल सकती है। हालांकि आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन वो अवश्य देंगे, है ना। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर जाना होगा, और आपका एड्रेस क्या है, आपका एड्रेस है जो आपको यहाँ पर लिखा दिख रहा है, रेलवे रेल सदन सामानता विहार भुवनेश्वर 75-10-17। आप यहाँ पे जाएंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकलेगा इसका। ओके चलिए अब हम देख लेते हैं और नेक्स्ट क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे मैं आपको लेकर आ गया हूँ आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, आरपीआर पेंसिलरी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। चलिए जैसा कि उन्होंने बोला है आप 1.14 पैरा को रीड करें एंड 9J को, तो चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं क्या लिखा है उसमें। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं आगे कहाँ पे है आपका 1.14। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा 1.14 यहाँ पे क्या लिखा है, जरा अच्छे से रीड कीजिए। यहाँ पे लिखा है दोस्तों, आप देख सकते कि अभ्यर्थी का यह दायित्व होगा कि वो साबित करे कि उनके द्वारा आवेदन में दी गई सभी जानकारियां सत्य हैं। इन्होंने कुछ पॉइंट आपको दिए थे कि आप आपके पैरा को देखें 1.14 को, तो यहाँ पे क्या साफ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि अभ्यर्थी का यह दायित्व होगा कि वो साबित करेगी या करेंगे कि उनके द्वारा आवेदन में दी गई सभी जानकारियां सत्य हैं। अब कहने का मतलब एक अनुमान ऐसा लग सकता है कि आपका सिलेक्शन इस रीजन वश भी रुक सकता है कि आप प्रूफ नहीं कर पाए कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स या जो जानकारी दी है वो सत्य है। इन्होंने इस पॉइंट को यहाँ पर मैटर किया है। अब चलिए हम उस पॉइंट को भी देख लेते हैं जिन्होंने बोला है 9J, है ना, चलिए वो भी देख लेते। अब दोस्तों आप देख सकते हैं हम आ गए हैं उस पैरा पे जो कि आपका 9B पॉइंट से स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपको 9 दिख रहा है, फिर इसके बाद आपको दिख रहा होगा 9A, 9B, 9C, ऐसे करके आपको यहाँ पर पॉइंट दिख रहे हैं। तो चलिए हमको चलना है जे पर, देखते हैं कौन सा क्या लिखा है जे में। ABCDEF, यहाँ पर होगा IJ, जे है, जे है ना। इसमें क्या लिखा है दोस्तों, इसमें आप पढ़ सकते हैं, अंत में अभ्यर्थी को घोषणा की पुष्टि करनी है। मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूं कि मैंने इस आवेदित पद के लिए पात्रता मापदंडों को पढ़ और समझ लिया है, उसके सभी अपेक्षाओं को पूरा करता हूं और आवेदन में मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी विवरण मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य है, पूर्ण है और कुछ भी छुपा या दबाया नहीं गया है। मैं यह भी समझता हूं कि यदि कोई भी विवरण भर्ती के किसी भी चरण के दौरान या उसके बाद असत्य पाया जाता है, रेलवे प्रशासन मुझे आवेदित पद के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है। तो दोस्तों जैसे कि इन्होंने इन पॉइंट को वहां पर आपके आरटीआई रिप्लाई में रखा है, तो इसका कहने का मतलब ये हो सकता है कि आपने इन सभी कार्यों को नहीं किया है, आप अयोग्य साबित हुए होंगे।
इनका कहने का मतलब ये है, रिप्लाई में इन्होंने साफ साफ तो नहीं किया कि आपका रीजन क्या है, बट यहाँ पे आपके जो नोटिफिकेशन के मेन मेन पॉइंट है इन्होंने वो रख दिए हैं। सकता है या मैं मौजूदा नियमों के तहत किसी भी अन्य कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होऊंगा। उपरोक्त घोषणा की पुष्टि करने और आवेदन आवेदन जमा करने के बाद पूरे आवेदन को एक बार फिर पुष्टि के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। अभ्यर्थी आवेदन का प्रिंट ले सकता है और इसे इस संदर्भ में और रिकॉर्ड के लिए संरक्षित रख सकता है। अब दोस्तों ये तो हुए वो पॉइंट जो कि मैंने आपको बताया है कि आपके रिप्लाई में इनको रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। अब फ्रेंड्स आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल सत्य सत्य बताना, 100% बताना। दोस्तों मेरे पास कॉल आया था आकाश का, आकाश ने बोला था सर मेरे मार्क्स किसी कट ऑफ से ज्यादा है बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब दोस्तों आकाश से मैंने सबसे पहले भी बात की थी जब टेट टेस्ट स्टार्ट हो रहे थे, तो उसका डॉक्यूमेंट्स का कुछ इशू चल रहा था। हालांकि उसने लास्ट में जाके डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे, किसके हाथ करवाए थे वो नहीं पता, आसाम के कोई भाई के द्वारा उसने डॉक्यूमेंट्स अपने जमा करवाए थे, लेकिन उसका भी डॉक्यूमेंट्स का कुछ ना कुछ इशू था। ऐसा नहीं था कि वो खुद गया था और उसने जमा करवाए थे, उसने किसी दूसरे के हाथ करवाए थे, पहली बात। और दूसरी बात, जो अनुज भाई है इनका, इन्होंने क्रिमिलियर क्या नॉन क्रिमिलियर का ऐसा कोई इनका भी इशू है थोड़ा बहुत, जो कुछ भी हो। अब दोस्तों आप लोग दो मिले, दोनों के दो इशू निकल के आते हैं सामने, हो सकता है आपको इसी वजह से अलग किया हो, आपके जो मार्क्स आ रहे हैं कट ऑफ से ज्यादा वो रीजन ना हो कि आपका रीजन जे बन गया हो। अब दोस्तों आप लोगों ने भली सब कुछ बाद में सुधरवाया है, लेकिन उन्होंने आपको इसी बस अलग कर दिया हो सकता है ऐसा। मैं साफ साफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे पास दो कॉल आए हैं, दो स्टूडेंट्स मिले हैं और दोनों की जो दो समस्याएं मेरे सामने निकल के आ रही हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हुआ वो आरटीआई जिसका रिप्लाई आया था, जो पॉइंट उन्होंने रखे थे वो मैंने आपको बाकायदा एक एक रीड करके बताए हैं और आपको बताया है कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन फिर भी कोई कैंडिडेट हो जिसकी बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है और मार्क्स उसके कट ऑफ से ज्यादा आ रहे हैं, आरटीआई लगाया है, उसमें रिप्लाई आया है फिर भी, तो दोस्तों आप लोगों से एक बात बोलना चाहूंगा कि एक या दो व्यक्ति की करने से कुछ नहीं होता। यदि आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ अनुचित हुआ है मेरे साथ, तो आप कुछ पूछताछ करना चाहते हैं, कुछ कार्रवाई करना चाहते हैं, तो आप लोग एक ग्रुप क्रिएट कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, जिन जिन कैंडिडेट के मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं कट ऑफ से, तो आप लोग एक ग्रुप बना लें। देन इसके बाद आप जब जाएं, जहां जाएं, जैसे जाएं, सब लोग साथ में जाएं, तो आप लोगों की थोड़ी बहुत सुनवाई हो सकती है, वरना ऐसे अकेले के उससे कुछ नहीं होगा। हालांकि अभी मेरे सामने जो समस्याएं निकल के आई हैं कि आप लोग दोनों डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपके इशू आ रहे हैं, लेकिन यदि आपका 100% सब कुछ है, उसके बावजूद भी आपका सिलेक्शन रुका हुआ है, तो आप बेझिझक आगे बढ़कर बिल्कुल जानकारी ले सकते हैं। आप यदि यहाँ पे जाएंगे, जैसे कि सदन वाला एड्रेस दिया है आपको, तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर पहुंचना होगा आपके आरटीआई रिप्लाई की, है ना। ओके तो फ्रेंड्स बस यही बोलना चाहूंगा, और आप लोग ग्रुप क्रिएट करेंगे तो इसी कमेंट्स बॉक्स में आप एक दूसरे के नंबर शेयर कर सकते हैं। ओके तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।